Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today topic is how to call IRS for getting EIN number. IRS स्टैंड फॉर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो उसके बाद फिर हमने EIN के लिए अप्लाई करना होता है, और वो हम किस तरह अप्लाई करते हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से आपको बताया हुआ है। तो हम एक SS4 फॉर्म है ये, इसको हम अपनी डिटेल अपनी LLC की डिटेल से पुट करके हम EIN जो उसके लिए अप्लाई करते हैं, और वो हम IRS को वो फॉर्म ये जो SS फॉर्म है ये 3 वेज के साथ इधर सेंड कर सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन इधर फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एक तो SS4 आप सेंड कर सकते हैं बाय फैक्स, और एक आप सेंड कर सकते हैं बाय मेल। मगर जो हमारे स्नैरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है कि बाय फैक्स हम सेंड करते हैं। और EIN नंबर जब हमने उन्हें सेंड कर दिया, बाय फैक्स सेंड कर दिया, फिर उसके बाद हमने 4 से 8 वर्किंग डे, मैक्सिमम 4 से 8 वर्किंग डे आपने वेट करना होता है। वो उस वर्किंग डे में आपको वो फॉर्म जो आपने SS4 फॉर्म सेंड किया उसके राइट कॉर्नर पे वो आपका EIN नंबर लिख कर वो आपको सेंड कर देते, वापस आपको उसी फैक्स के नंबर के ज़रिए आपको वो फैक्स कर देते हैं, और आपके जो डैशबोर्ड एड्रेस का उसके अंदर भी उसकी डिटेल आ जाती है। और IRS के जो बिजनेस वर्किंग डे होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं, सैटरडे और संडे उनका ऑफ होता है, यानी कि पूरे वीक में वो 2 दिन ऑफ करते हैं और 5 दिन उनके वर्किंग डे होते हैं। और ये जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ कि 4 से 8 डे, ये वर्किंग डे है ना कि ओवरऑल, ये सिर्फ वर्किंग डे बस आप इधर काउंट करें। अगर इन डेज में आपके पास EIN नहीं आता तो फिर आप किस तरह IRS से EIN ले सकते हैं, जो आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आप किस तरह ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट और परफेक्ट जो वे है वो इस तरह है कि वो आप IRS को कॉल करें, जो आपने नंबर परचेज किया होगा, चाहे वो आपने स्काइप से परचेज किया या चाहे वो आपने वाइक से परचेज किया, आप उस नंबर के ज़रिए आप IRS को कॉल करेंगे। और आप कभी भी उधर अपना जो पाकिस्तानी नंबर है उसको कभी ना यूज़ करें, जो आपने नंबर परचेज किया है स्काइप का या वाइक का वही आप उधर यूज़ करते हुए उन्हें कॉल करें। और मेक श्योर करें कि जिस फैक्स नंबर पे आपने उन्हें सेंड किया है, यानी कि आपने IRS के जो फैक्स नंबर पर सेंड किया है, वो मेक श्योर करें कि वो करेक्ट है। आप वहाँ की जो IRS की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से वो फैक्स नंबर लें, और उस नंबर को यूज़ करते हुए आप अपने SS4 फॉर्म उस नंबर पर आप फैक्स करें। वो हम किस तरह इनका फैक्स नंबर लेते हैं, चलते हैं फिर हम गूगल क्रोम की तरफ। इधर गूगल पर आने के बाद इधर हम लिखेंगे IRS, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके हम क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसका पेज हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, जो फ्रंट पेज है। उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है अप्लाई फॉर एंड एम्प्लॉय ID नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर आप क्लिक करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर एंड EIN। क्लिक करने के बाद भी ये पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा, आप फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखें इधर आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको SSN नंबर चाहिए। फिर हमारे सिनेरियो में यही बेस्ट ऑप्शन है कि अप्लाई फॉर फैक्स, इधर हम वे टू फाइल इधर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज अपीयर हो जाएगा, तो ये देखें ये फैक्स नंबर है उनका, जिस नंबर पर हमने अपना SS4 फॉर्म सेंड करना है। हमने SS4 फॉर्म सेंड करना है, LLC की डिटेल भी साथ अटैच करके वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने इधर सेंड करने होते हैं। आपने जो आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से अपनी LLC की डिटेल ली है वो भी साथ आप अटैच करें, और मेक श्योर करें कि आप इसी नंबर पर फैक्स कर रहे हैं। और अगर आप का कोई भी प्रिंसिपल लीगल एड्रेस नहीं है तो फिर अगर आप विद इन USA हैं तो फिर आप इस फैक्स नंबर को यूज़ करेंगे, अगर आप आउटसाइड ऑफ USA हैं तो फिर आप इस नंबर को यूज़ करेंगे, मगर हमारे सिनेरियो में यही होता है। तो इस नंबर पर आप मेक श्योर करें कि इसी नंबर पर आप वो SS4 फॉर्म सेंड करते हैं। तो ये सेंड करने के बाद आपको 4 से 8 वर्किंग डे आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद ये कि अगर आपका उस वर्किंग डे में आपको EIN नहीं मिला तो आप किस तरह ले सकते हैं, फिर आप उन्हें कॉल करेंगे।
तो कॉल मैंने आपको पहले बताया था, आप उधर यूएसए का जो नंबर है वो ही यूज़ करें। तो कॉल हमने किस नंबर पर करनी है वो भी मैं आपको इधर मैं गो थ्रू करा देता हूँ। इधर हम गूगल में जाएंगे, इधर फिर मैं दोबारा वो जो उनकी आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे मैं ओपन करूँगा जी। तो आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट वो हमारे सामने अपेयर हो चुकी है, तो इधर हम हेल्प पर क्लिक करेंगे। हेल्प पर क्लिक करने के बाद इधर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये आईएएस फोन नंबर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और ये देखें इधर सारे उनके जो फोन नंबर है वो आ गए, और साथ इन्होंने ये मेंशन किया हुआ कि आप किस टाइम में आप उन्हें कॉल करें, जो लोकल टाइम है वो उन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है। अगर आपने कोई भी आरआईएस में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल किया, तो अगर आपने वो इंडिविजुअली तौर पर या आप खुद एक इंडिविजुअली तौर पर कोई भी इधर डॉक्यूमेंट फाइल किया, तो आप फिर इस नंबर पर कॉल करके आप वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस के तौर पर आपने इधर कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किया, तो फिर आप इस नंबर को यूज़ करेंगे, और ये 7 AM to 7 PM लोकल टाइम ये इन्होंने बताया हुआ है। आप हमेशा जब भी कॉल करें वो उनके टाइम पीरियड के हिसाब से कॉल करें। आप उधर का जो यूएसए का टाइम है आप गूगल से चेक कर सकते हैं कि उधर क्या टाइम होता है, तो आपको जो वो उनका जो बिजनेस टाइम है ना वो 7 AM से 7 PM है, आप इसी दौरान आप उन्हें कॉल। बेस्ट टाइम यही होता है कि आप 12 बजे से लेकर 3 या 4 बजे के दरमियान दरमियान आप इन्हें कॉल कर लें। तो इधर और भी उन्होंने फ़ोन नंबर दिए, वो आप अपनी नीड के मुताबिक, अगर आप किसी और सिनेरियो में आपने फाइल वगैरह किया है, तो फिर आप इधर वो सेंड कर सकते हैं, आप फिर आप इधर उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ओवरसीज हैं कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी है, तो फिर आप इधर से वो उनकी इंटरनेशनल सर्विस है उसके पेज पर फिर आप इधर जाएंगे, और मेक श्योर कर लें कि आप एक करेक्ट फ़ोन नंबर पर उन्हें कॉल कर रहे हैं, और करेक्ट जो उनका वर्किंग टाइम है उसी दौरान आप उन्हें कॉल कर रहे हैं। और कॉल करने के साथ साथ आपको ये भी एक बात अपने माइंड में रखनी होगी, जब आप इधर से कॉल को मिला देते हैं, तो फिर वो 1 या 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो कॉल आपकी पिक करते हैं, क्योंकि उन्हें एक टाइम में बहुत ज़्यादा जगहों पर कॉल्स आती होती हैं, तो आपकी वो कॉल पेंडिंग पे लगा देते हैं। जब वो फ्री होते हैं दूसरे क्लाइंट से या दूसरे किसी के हेल्प करने के बाद, फिर वो आपके अगर कॉल का नंबर आता है, तो फिर वो आपकी कॉल को अटैच करके फिर उनका जो एजेंट वगैरह जो उनका वो हेल्पर वगैरह होता है, फिर वो आपसे बात करता है, और जो भी आपकी नीड वगैरह होती है, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो आपके वो उधर सोल्यूशन करते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं, और वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो फिर आप उनसे डायरेक्टली बात कर लें। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप किसी और बंदे को हायर करके उसे बोलें कि वो आपके यहाँ पर उधर IRS के जो एजेंट है जो हेल्प सर्विस में है, उनसे आप कॉल करके मेरे EIN के लिए आप पूछें कि कब आप मुझे देंगे। बाज़ का वो ये करते हैं कि हम आपको इधर कॉल पे ही बता देते हैं कि आपका जो EIN का नंबर ये है, आप इधर नोट कर लें, वो भी आप नोट कर लें, और उसे भी यूज़ करते हुए आप सेलर परमानेंट या रीसेल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मगर आप उन्हें यही रिकमेंड करें, आप यही उधर फोर्स करें कि मुझे आप वो फॉर्म के ज़रिए आप सेंड करें, क्योंकि कोई भी ये अमेज़ोन का बिज़नेस हो या कोई और भी बिज़नेस हो, आपके पास जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास मुकम्मल तौर पे होने चाहिए। अगर आप सिर्फ उधर EIN नंबर उनसे नोट करके इधर आप कर लेते हैं, अगर कोई भी एक डिजिट आपसे गलत हो जाए या उसके बताने से आपको गलत सुनाई दे, तो फिर वो आपका EIN नंबर नहीं होगा, वो किसी और का होगा, और जब वो आप यूज़ करेंगे, तो फिर वो हो सकता है कि आपके वो जो अकाउंट है या कोई भी रीसेल सर्टिफिकेट इधर उधर की जितनी भी चीज़ें में आपने वो यूज़ करना है, वो आपका करेक्ट ना हो, वो फेक होने की वजह से आपका वो अकाउंट ही सस्पेंड हो जाए। तो आप उधर उन्हें फोर्स करें कि हमें बस वो फॉर्म जो हमने आपको सेंड किया SS4 फॉर्म, वो ही आप हमें सेंड करें। हम तो उसके ऊपर करेक्ट लिखा होता है, हर डिजिट जितने भी उसके डिजिट होते हैं वो आप उधर से करेक्ट दे सकते हैं, मगर इधर आपको कॉल पर सुनने में आपको गलती आ सकती है या उसके बताने में कोई गलती हो सकती है, वो भी आप नोट कर लें। मगर आपने ये फोर्स लाजमी करें कि हमें वो फॉर्म सेंड करें, और जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप IRS को कॉल करें, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। आप अपना पासपोर्ट अपने सामने रखें या जिसकी डिटेल पर आप
LLC बना रहे हैं उसका पासवर्ड होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका जो SS4 फॉर्म है जो आपने फिल किया वो आपके सामने होना चाहिए, उसकी सारी डिटेल। उसके बाद फिर आपके पास LLC की डिटेल होनी चाहिए, जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपने LLC क्रिएट की है तो वो आप उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ये तीन ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब आप उन्हें IRS को कॉल करते हैं वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपका नेम पूछते हैं, आपके LLC का नेम पूछते हैं, आपकी LLC कब क्रिएट हुई उसकी डेट पूछते हैं, और भी डिफरेंट वो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछते हैं। आपका स्टेट पूछ सकते हैं, आगे काउंटी पूछ सकते हैं, आपकी जो LLC SS4 या पासपोर्ट के मतलब का कोई भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हर चीज़ वो पूछ सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि कॉल करने से पहले ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी कॉल उनके साथ कनेक्ट होगी तो उसके बाद अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं होगी और वो पूछेंगे कि आप अपनी LLC की डेट बताएं या आप अपना ये वाला ये जो इन्फॉर्मेशन वो बताएं, तो अगर आपको उस टाइम माइंड में नहीं होगी तो वो यही सोचें कि ये कोई फेक पर्सन है और ये किसी और का EN जानना चाहता है, तो वो आपको कभी भी उसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए आप हमेशा इन चीज़ों को कॉल करने से पहले कलेक्ट करके अपने पास रखें, फिर ही आप कॉल करें। यही उम्मीद होती है कि कॉल करने के बाद भी फिर वो फ़ौरन आपको EN दे देते हैं, और जिसे आप यूज़ करते हुए अपना बैंक अकाउंट बना सकते हैं, अपने अमेज़ोन के लिए वो आप सेलर परमिट बना सकते हैं, रीसेल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और भी फर्दर मुख्तलिफ ऑप्शन जिसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।